Hey guys, what's up? सबसे पहले आपको और आपके फैमिली को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं. विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए भी ऐसे विश करते होंगे कि मेरे लिए भी ये साल अच्छा ही हो. 2018 मेरे लिए, आपके लिए कैसा गुजरा कोई फर्क नहीं पड़ता है. हम तब भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने हमें लाइफ दी है. और आने वाला साल कैसा होगा बस वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे. तो आप अच्छे कर्म कीजिए क्योंकि कर्मा पलट के ही आपको देता सब कुछ. तो अपने कर्मा को अच्छा रखिए, अच्छा लेना है तो अच्छा कर्म कीजिए, वरना बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है. और जो सबसे बड़ी बात ये बोलना है कि आई एम सॉरी, सबसे दिल से सॉरी कि मैं लास्ट 10 डेज से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज मेरे पैर में, मेरे एंकल में इन्फेक्शन हो गया है और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ. डॉक्टर को मैंने दिखाया है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डॉक्टर ने मुझे बोला है 6 to 8 months को रिकवर होने में लगेगा. और इस वजह से मैं शू भी नहीं पहन पा रहा हूँ. काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चलने में हो रही है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ रहा है अपने. आई होप सो, उम्मीद है कि आप लोगों ने नया साल बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा. आप लोगों से बहुत से ऐसे हैं जो हर साल न्यू ईयर पे 31st night या 1st of Jan को ये रेजोल्यूशन करते कि इस साल मैं ये करूँगा और इस चीज़ों को मैं छोड़ दूंगा. अपनी कुछ बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश करते हैं. तो मुझे ये उम्मीद है कि शायद आप लोगों ने आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा कुछ रेजोल्यूशन लिया होगा कुछ अच्छा. जैसे मैंने तो अभी तक कुछ नहीं लिया, बट डिसाइड करूँगा कि क्या करना है. बट एक रेजोल्यूशन मैंने ज़रूर लिया है, वो ये कि 2018 में मैंने कैसा वीडियो बनाया है आई डोंट केयर. क्योंकि मेरी शुरुआत थी 4-5 महीने पहले, मैंने व्लॉगिंग शुरू की है तो अभी मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ. जहाँ तक मेरा दिल कहता है कि 2019 में मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा, अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा आप लोगों के लिए. और जहाँ तक है शायद आप लोगों को एक थोड़ा सा अब्रॉड का भी, अब्रॉड मतलब मैं दुबई का आप लोगों को टूर करवाऊँगा. एक छोटी सी वीडियो मैं दुबई की बनाऊँगा, जब शायद मेरा जाने कुछ प्लान हो रहा है, 3 मार्च-4 अप्रैल तक मैं जाऊँगा. तो आई होप सो कि मैं वहाँ की भी वीडियो आपको बना के ज़रूर दिखाऊं. और इसी तरह से मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा. और एक आप लोगों का सपोर्ट ये चाहिए कि अभी तक जैसे आप लोगों ने मुझे अपना प्यार अपना सपोर्ट किया हुआ, प्लीज़ 2019 में भी उसी तरह से अपना सपोर्ट करते रहिए. अब मुझे प्लीज़ कमेंट करके ये बताइए कि मैं आप लोगों के लिए और कैसी वीडियो बना सकता हूँ जो आप लोगों के मन की हो, आपको पसंद आए. और मेरे वीडियो में जो चीज़ भी आप लोगों को अच्छी नहीं लगती है उसके लिए मैं दिल से सॉरी चाहता हूँ. और एक सॉरी ये बोलूँगा कि 2019 में अगर आप लोगों को मेरी कोई भी वीडियो बुरी लगी हो, मेरी कोई बात बुरी लगी हो मेरी वीडियो में, तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे. और बट अपना प्यार अपना सपोर्ट इसी तरह मेरे मुझे देते रहिए क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है. क्योंकि आपका प्यार ही है जो मुझे बहुत कुछ करने को मतलब मजबूर करता है कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊँ, वो वीडियो बनाऊँ, ये वीडियो करूँ, वो वीडियो करूँ. तो बहुत मन करता है बट क्या बताऊँ कि इस पैर ने मुझे ऐसा बांध रखा ना कि मैं बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ. बट कुछ भी हो जाए 2019 मेरा बेकार नहीं जाएगा, कुछ नया कुछ अच्छा आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा इस YouTube पे अपने चैनल के थ्रू. तो चलिए आगे बढ़ते, फिलहाल आगे बातें और करते हैं, वो सब तो बातें आती जाती रहती हैं. बहरहाल अभी मैं सोच रहा हूँ आपको मैं छोटा सा अपना सेटअप दिखाता हूँ. सेटअप तो मेरा कोई बहुत पुराना ही है, मैंने आपको पहले भी 2 बार दिखाया. जो मैंने ये लिया था अपना ट्राइपॉड, जब से मैंने लिया मैंने इसका आपको अनबॉक्सिंग भी दिखाया था, शायद 1 महीना पहले लिया था, तब से मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है. मैं आज यूज़ कर रहा हूँ, तभी आप देख रहे हैं मेरा दोनों हाथ खाली है और मैं सामने बैठा हूँ, पूरा वीडियो शूट कर रहा हूँ. तब के बाद मैं इसको निकाला, सेकेंड मतलब फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आप मुझे क्लियर देख रहे हैं. सो इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ आपको मेरा सेटअप देख. हाँ, मैंने अभी इस साल मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, वो है गिम्बल. गिम्बल तो जैसे मार्केट में भी 3 types ऑफ गिम्बल्स आ चुके हैं. एक तो आपका कैमरे का आ चुका है, बहुत कॉस्टली 42,000 का है. दूसरा है मोबाइल का, वो है आपका 10,000 या 12,000 के अप्रॉक्स है. तीसरा एक और आया 35,000 का, इतना बड़ा गिम्बल है जिसमें आपको मोबाइल कैमरे की कोई जरूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी एक छोटी सी स्क्रीन बनी हुई है, उसी के थ्रू आप पूरा वीडियो शूट कर सकते हैं. सिर्फ इतना बड़ा सा है, बहुत ही हैंडी है. आप उसको पॉकेट में रखिए, हाथ पकड़े लीजिए,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मैंने वो नहीं मंगाया, मैंने कैमरे वाला नहीं मंगाया, मैंने मोबाइल के गिम्बल मंगाया, वो भी दुबई से। मेरा वहाँ पे एक फ्रेंड है, सो कॉल्ड ब्रदर है, भाई कली, मेरे भाई जैसे ही है, फैमिली मेंबर है, तो उसको मैंने बोला हुआ है। तो आई होप सो कि शायद इसी मंथ में या फेब में वो मेरे पास होगा, तो मैं उसका आपको अनबॉक्सिंग करके ज़रूर दिखाऊंगा। क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, ये सब चीज़ें बताऊंगा आपको मैं पूरी चीज़ें डिटेल से। बहरहाल अभी आप मेरे कमरे का छोटा सा टूर ले लीजिए। टूर ये देखिए, सामने से देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये फ्रिज है, ये गद्दा जो आप देख रहे हैं, मैट्रेस कहाँ गया कहाँ गया, ये एक्चुअली हाथ का जो तो सही जाता नहीं है। दिखाओ अपोजिट डायरेक्शन में तो तब जाके गद्दे पे आता है, गद्दे पे दिखाओ तो हाथ कहीं और जाता है। तो ये है मैट्रेस जो है, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड आया हुआ है जौनपुर से, उसका लगेज वो रखा हुआ है, तो उसी का ये गद्दा पूरा इधर फैला हुआ है, क्योंकि अभी वो मार्केट गया हुआ है करोल बाग। बहरहाल ये देखिए कुछ यूं है मेरा सेटअप। इसमें और भी कुछ रेनोवेशन मैं करूंगा, बस थोड़ा चैनल ग्रो हो जाए। ये देखिए आप, ओ, 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 मैं आपको दिखाता हूँ, तो प्लीज थोड़ा पेशेंट रखिएगा। ये है ये मैट्रेस मैंने बिछाई है इधर, पूरा आप देख लीजिए, ये इधर ये मैंने लाइटिंग की हुई है, काफी अच्छी लगती है। ये पूरा अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट सब करने के लिए। तो मैं आपको इसकी भी लाइटिंग दिखाता हूँ, शायद कैमरे में उतनी अच्छी लाइटिंग ना दिखे। बहरहाल वो ये लाइट्स ऐसे हैं जो पीछे देख रहे हैं आप, वो पीछे मैंने लाइट लगाई है, एलईडी लाइट जो चिपकाने वाली आती है उसको मैंने लगाया हुआ है। फिर प्लस मैंने इधर भी लगाई हुई लाइट, ये पूरी मैंने लाइटिंग की हुई है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये कुछ सीन है, और ये मैं आपका आ गया होस्ट और आपका दोस्त सो कॉल्ड। और आपको मुझे एक चीज़ और दिखाना, कि मेरे पास जो कैमरा है ना अभी, जिसे मैं शूट कर रहा हूँ, एक्चुअली ये कैमरा जिस टाइम मैंने लिया था उस टाइम तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, अभी भी क्वालिटी टचवुड बहुत अच्छी है, सैमसंग नोट 3 है। ये मैंने 2014 में लिया था दुबई से, जो अभी तक चल रहा है टचवुड, और चलता रहेगा टचवुड। तो अभी मेरे पास इतना कुछ है नहीं कि मैं कुछ कैमरा कुछ बाय कर सकूं कैनन का या जो कुछ भी, क्योंकि बहुत कॉस्टली है। खरीदने को मैं भी खरीद सकता हूं, बट मैं अभी इतना ज़्यादा इतने इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं पहले मेरा चैनल ग्रो कर जाए, उसके लिए आपकी रहमत, आपका एहसान चाहिए। आप लोग मुझे प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी शायद मेरा कुछ हो सकेगा। बहरहाल एक चीज़ मैंने जो जिस कैमरे के साथ साथ मैंने एक चीज़ और दुबई से ली थी, वो है ये कैमरा मैंने तब देखा था जब मैं इंडिया में रहता था। आई थिंक 2008 में मैंने देखा था इस कैमरे को, 8 या 9 में देखा था, सैमसंग गैलेक्सी कैमरा है। ये देखें ये कैमरा, कैमरा का मोबाइल है, इसमें आप बात भी कर सकते हैं। भी ये डिस्चार्ज हो चुकी पूरी तरह से, चार्ज नहीं, क्योंकि रखे रखे बैटरी पूरी उतर गई। देखिए मैं अभी आ रहा हूँ, इसमें तो बैटरी पूरी उतर चुकी, इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉलिंग का भी सब कुछ, सारा फीचर इसके अंदर है, सब कुछ है, पूरी ये फुल स्क्रीन है, फ्लैश यहाँ से दिया हुआ है। कैमरे की क्वालिटी अल्टीमेट है, मतलब इसको अगर ऑन कर लेता हूँ तो आपको मान के चलिए कि जूम इन क्वालिटी तो इतनी अच्छी कि अगर 1 किलोमीटर दूर की भी कोई चीज़ है वो आपको एकदम क्लियर करती, कहीं से भी कोई ब्लर नहीं आती है, इतनी अच्छी क्वालिटी है इससे। बट मैं शूट, बस प्रॉब्लम इतनी सी है इसे शूट ना करने की कि ये सिर्फ 8 GB है, कैपेसिटी बहुत कम है, तो इस वजह से मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। डिस्चार्ज भी जल्दी हो जा रहा है, बैटरी की प्रॉब्लम थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा है, जैसे चार्ज करके रखा था 1 महीने भर से तो बैटरी पूरी खत्म हो चुकी है। बट इसको मैं चार्ज करूँगा, इससे मैं इसमें मेमोरी भी लगा सकता हूँ मैं, तो मेमोरी लगा के मैं इससे भी यूज़ करने की कोशिश करूँगा। बट उसके पहले अभी मेरा जो मोटो है वो मेरा है गिम्बल का, जो मेरा शायद इस मंथ या अगले मंथ आ जाएगा, गड़ रहा है ये, हाँ मैं पीछे आ जाता हूँ। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही है, कुछ और ज़्यादा नहीं है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को पसंद करेंगे, मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। नए साल के ढेर सारी विशेष के साथ मैं आपसे अभी अलविदा लेता हूँ, और आप लोगों से मैं जल्दी अब मिलूंगा अपने नए वीडियो में। पता नहीं क्या करूंगा नए वीडियो में, बट जो भी करूंगा कुछ अच्छा ही करूंगा। टिल देन लव यू, बाय बाय, खुदा हाफिज, नमस्कार, और दुआओं में याद रखिएगा।
वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।